हेलो दोस्तों, नमस्कार प्रणाम। तो कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो जो है कि ट्रेवल्स के बारे में है। जितने भी भाई इंडिया से अगर दुबई आना चाहते हैं तो ये वीडियो सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो भी यहाँ पर आने के बारे में सोचते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो है कि दुबई की सरकार ने एक बहुत ही बड़ा एयर इंडिया की तरफ से एक बहुत ही बड़ा अपडेट जारी किया है। वो क्या है, मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताऊँगा। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे वीडियो को छोटा सा लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। क्योंकि दोस्तों, मैं दुबई में यहाँ पर 8 साल से ऊपर रहता हूँ और मैं जॉब रिलेटेड कौन सी कंपनी अच्छी कौन सी कंपनी ख़राब है और न्यूज़ के रिलेटेड जो है मैं वीडियो हमेशा बनाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए मैं वीडियो में आगे बढ़ता हूँ और आप लोगों को बताता हूँ कि क्या न्यूज़ है। तो दोस्तों, ये जानकारी बहुत ही अहम जानकारी है क्योंकि ये वीडियो मैं सिर्फ लेबर भाई लोगों के लिए बनाता हूँ। क्योंकि जो पढ़े लिखे लोग होते हैं उन लोगों को जो है कि पहले से ईमेल जो है कि मिल जाता है, उन लोगों को पता चल जाता है। लेकिन जितने भी लेबर भाई लोग हैं, वो जो बिल्कुल कम पढ़े लिखे लोग हैं, उन लोगों को जो है कि पता नहीं चल पाता है। तो मैं जो है कि इस वीडियो के माध्यम से ये पूरी जितने भी न्यूज़ आते हैं और कौन सी कंपनी अच्छी होती है कौन सी कंपनी ख़राब होती है, इन सब चीज़ों के बारे में जो है कि मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं उन लोग तक पहुँचाना चाहता हूँ, ताकि वो लोग वीडियो के माध्यम से अच्छी तरह से समझ जाएँ और उन लोगों को जो है कि किसी प्रकार का दिक्कत का सामना न करना। तो दोस्तों, एयर इंडिया की तरफ से एक ट्वीट किया गया है जो आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं कि 9 मई से लेकर 22 जून तक जो है कि इंडिया से जितनी भी फ्लाइट आती हैं एयर इंडिया की दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए, उन लोगों का जो है कि रूट चेंज कर दिया गया है। वो क्यों चेंज कर दिया गया है वो मैं आप लोगों को बताऊँगा। तो बिल्कुल वीडियो को ध्यान से देखिएगा, भगा भगा कर मत देखिएगा, नहीं तो आप लोगों को जानकारी नहीं मिल पाएगी। क्योंकि दोस्तों, 9 मई से जो है कि 22 जून तक जितने भी रनवे हैं एयर इंडिया का, उसका मरम्मत का कार्यक्रम चालू किया जाएगा। 9 मई से चालू होगा और जो है कि 22 जून तक बिल्कुल कंप्लीट कर दिया जाएगा। इसके लिए इंडिया से जितनी भी जहाज़ आएंगी एयर इंडिया दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, उन लोगों का जो है कि रूट चेंज कर दिया गया है। बंद नहीं किया गया है, चेंज कर दिया गया है। तो दोस्तों, प्रति सप्ताह जो है कि इंडिया से 1000 से अधिक जो फ्लाइट जो है कि दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आती हैं। तो अब उन लोगों का जो है कि रूट चेंज करके कौन कौन से एयरपोर्ट पर किया गया है, वही चीज़ मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। तो पहला एयरपोर्ट है जो जबल अली में है, उसका नाम है अल मकतूम एयरपोर्ट, जिस पर दोस्तों मैंने 1 साल से अधिक वहां पर, जिस टाइम एयरपोर्ट बन रहा था तो वहाँ पर मैं जो है कि 1 साल से अधिक वहाँ इस एयरपोर्ट पर मैंने काम किया था। तो उस पर जो है कि कुछ फ्लाइट जो है कि अल मकतूम एयरपोर्ट जबल अली के लिए जो है कि रूट चेंज कर दिया गया है और कुछ फ्लाइट जो है कि शारजा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जो है कि कर दिया गया है। तो दोस्तों, आप लोग जो है कि जहाँ से टिकट निकाले होंगे आप लोग जो है कि वहाँ पर जाकर कंफर्म कर लीजिएगा, या तो आप लोगों को मैसेज पहले ही मिल गया होगा कि आप लोगों का जो है कि कौन से एयरपोर्ट पर जो है कि आप लोगों का फ्लाइट ट्रांसफ़र किया गया है। तो दोस्तों, आज के लिए हमारा यही न्यूज़ था। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं आप लोगों से एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को हमारा जय हिंद, जय भारत।